हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस एंड द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम स्पेशली जो प्रिपेयर कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए मे में एग्जाम है दैट मीन्स यू हैव नियर अबाउट सिक्स मंथ्स तो दिस इज द टाइम कि आपने जी एस के साथ साथ में सी सेट पर भी फोकस करना है और इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं दैट इज़ सुपर फाइव हम डिस्क करेंगे अब बात आ रही है बिकॉज नंबर सिस्टम इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्यों मैं इसको इम्पोर्टेंट कह रही हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो यस yes. अगर हम 2015 से 2022 तक का एनालिसिस देखें तो 2015 में टू थाउजेंड फिफ्टीन में फाइव क्वेश्चन 17 सिक्स क्वेश्चन 2018 सिक्स क्वेश्चन 2019 फाइव क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट देख सकते हो कि 2020 के अंदर 14 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आए हुए थे दैट मींस एकदम से यूपीएससी ने चेंज कर दिया पैटर्न कि नंबर सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं ठीक है यस

आपका नंबर सिस्टम से आना है ओके okay? दैट कि हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है वी शुड क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द नंबर सिस्टम लाइक रिमाइंडर थ्योरम डिवीजन रूल ओके और जो डिविजिबिलिटी के रूल है डिवीजन इज डिफरेंट डिविजिबिलिटी रूल इज डिफरेंट यूनिट इज इट कंसेप्ट रिमाइंडर थ्योरम फॉर्मेट थ्योरम एंड अदर

तो उससे ऐसा अच्छा है देखो आपको मैं पे डायरेक्ट बता रही हूँ अब पे देखो कि अगर मैं तो नंबर्स तो okay? तो हम अप टू हंड्रेड देखते हैं अप टू हंड्रेड अपटू टू हंड्रेड अगर हम देखें तो सिक्स से डिविजिबल नंबर्स कितने हैं टू हंड्रेड को अगर आप सिक्स से डिवाइड करते हो

हंड्रेड आप देखो तो कितने बनेंगे 600 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ दैट मींस आई हैव हंड्रेड नंबर्स ओके दैट मींस की अप टू 600 आई हैव टोटल हंड्रेड नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 6 बट यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन बिटवीन बिटवीन दैट मींस व्हाट 600 को कंसीडर नहीं करना है आपने अगर आप 600 को कंसीडर नहीं करते हो इन दैट केस हमारे पास में नंबर कितने हैं? Yes. Okay? तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास में नंबर नाइनटी नाइन माइनस थर्टी सिक्स मीनिक इस तरह से भी कर सकते हो कि हाँ जी ये कितना हो गया आपके पास में हंड्रेड हंड्रेड से थर्टी थ्री माइनस किया ज्यादातर स्टूडेंट अगर ऑप्शन में 67 मिलता 67 को टिक करके आते हैं बट रहेगा, बिकॉज सिक्स हंड्रेड को कंसिडर नहीं करना है सो यू विल इस तरह के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आपने इम्पोर्टेंट टाइप है ये बार बार रिपीटेडली एग्जाम में आती है दूसरा यहाँ पे है

This is divisible by three. So your answer will be option two. Yeah? Yes. Next देखेगा. वैसे भी अभी जो के अंदर questions आ रहे हैं, उसमें डायरेक्ट के साथ साथ ऐसे ही questions आते हैं। कि जो options है, options confusing है। आपको एक सिंगल आंसर नहीं फाइंड आउट करना आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उस पर फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ओके पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन हंड्रेड है आप पहले देखो थर्टीन से डिविजिबल कितने नंबर होंगे जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में वाले में भी चेक किया था कैसे करेंगे थर, अगर मैं हमारे माइंड में है कि 13, okay? और हम सीधा आंसर करके आ जाते हैं ये और हमारा हो जाता है रोक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने क्या कह रहे हैं नंबर इज डिविजिबल बाई थर्टीन ओके बट साथ में क्या कह रहे कि साथ में एक रिमाइंडर बच रहा है कितना टू इज द रिमाइंडर टू इज द रिमाइंडर तो अब देखो अगर मैं थर्टीन से डिविजिबल नंबर देखती हूँ तो क्या है थर्टीन एंड

इसके बीच में भी कोई ऐसा नंबर है कि मैं उसको जब 13 से डिवाइड तो मेरे पास बचेगा। yes, हमेशा ध्यान रखो कि जब हम एक नंबर को डिवाइड करते हैं इन दैट केस इफ द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर ओके इफ द नंबर इज लेस देन डिवाइजर देन रिमाइंडर क्या रहेगा जो मेरा नंबर है दैट इज द रिमाइंडर ओके सो यू विल आल्सो कंसीडर टू सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी एट विल बी द करेक्ट डन समझ आ रहा है हाँ जी कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को ने इस सीरीज में मेरे साथ में जुड़ना है सभी ने प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी करने के लिए ही ये सीरीज शुरू करी गई है आई कैन जस्ट गाइड यू कि हाँ कैसे आपने प्रिपेयर करना है फाइनली मेहनत तो आपने ही करनी है न गाइड कि हाँ आपने क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्या टाइप्स इम्पोर्टेंट है बट प्रैक्टिस यहाँ पे दो डिजिट है एक स्टार है एक डॉलर है ठीक है सो दैट नंबर इज डिजिबल बाई नाइनटी नाइन डिविजिबिलिटी रूल आपको कंसिडर करना है अब देखो

थ्री प्लस फोर सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री सेवन सेवनटीन बन रहा हम सम करें तो डॉलर प्लस प्लस विल बी इक्वल टू वट हाँ जी मैंने अभी क्या बताया नाइनटीन नाइन का मल्टीपल होना चाहिए okay? और

टेन प्लस डॉलर शुड भी एक value? अभी हमें नहीं पता कि क्या है दूसरा जो पॉइंट है दूसरा दूसरा अगर हम अल्टरनेटिव डिजीज को देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया सिक्स सेवन स्टार सिक्स सेवन एंड प्लस सेवन प्लस

डॉलर माइनस स्टार विलवल टू एट अब देखो दोनों आंसर आ जाएगा अब यहाँ पे देखो एट का डिफरेंस किस में आ रहा है फर्स्ट में आंसर आ गया अब यही पे भी आप स्टॉप कर सकते हो अगर आपके पास कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शन होते इस तरह के कि आपके पास एट का डिफरेंस आ रहा है लाइक like आपके पास में होता है एट एंड जीरो तो इन दैट केस क्या करते पूरा सोल्व करना पड़ता तो पूरा भी आपको मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पे वी हैव टू इक्वेशन वन इक्वेशन इज दिस वन इक्वेशन इज दिस जब दोनों को हम सोल्व करेंगे तो उस केस के अंदर हाँ जी उस केस के अंदर डॉलर आपके पास में क्या आ रहा है डॉलर आएगा आपके पास नाइन एंड स्टार विल बी इक्वल टू वन ओके सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास वन एंड नाइन क्लियर हाँ जी कोई डाउट नेक्स्ट देखिएगा

आप जो सिचुएशन की हुई है सिंपल उस पर जाओ कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेके आने हमने क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल बेसिक्स पे रहो बेसिक क्या कहता है कि नंबर को जब डिवाइड कर रहा है कह रहा है 44 से तो उसके पास में रिमाइंडर बच रहा है 27 ओके नाउ वी नो दैट द नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू प्लस रिमाइंडर ओके डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस 27 अब क्या कहा है इसने क्वेश्चन में चेक करो कह रहा है कि अगर इसी नंबर को 11 से मैं डिवाइड करते हूं इन दैट केस व्हाट विल बी द रिमाइंडर है ना तो अगर हम इसको 11 से डिवाइड करते हैं दिस पार्ट इज डिविजिबल बाय 11 अगर हम इस पार्ट को देखते हैं तो यहां से रिमाइंडर क्या बच रहा है 27 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 5 ओके okay? तो आंसर क्या आ गया 5 विल बी द करेक्ट आंसर सिंपल हां जी कोई माइनर सा डाउट कोई भी माइनर सा डाउट तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर जनरल पूछे जाते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर से अब कुछ मैंने डिस्कस किए और नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन कर सकते हैं साथ में मेन है आपकी प्रैक्टिस अब प्रैक्टिस कैसे करें अब अगर आपके सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर है इन दैट केस आप क्या करोगे कोई आपके पास जो भी बुक है आप कोई बुक ले सकते हो जिसके अंदर नंबर सिस्टम के आपको 300 400 क्वेश्चंस मिल रहे है? और उससे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो ओके okay? उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इन दैट केस आप यहाँ से यस yes, जो हमारी साइट है तो यहाँ पे नंबर सिस्टम के माइक्रोवर्सिस है वहां पे जा सकते हो अगर आपके पास अवेलेबलिटी नहीं है यू विल गो हेयर अब अगेन एक और पॉइंट है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है या नहीं है? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इन दै केस आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे questions पे, अगर concepts clear नहीं है इनके हाँ जी फिर आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना है अब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या चाहिए कुछ ऐसी वीडियो जिसके अंदर बेसिक से सारा कुछ आपके साथ में डिस्कस किया गया हो तो यहाँ पे देखते हैं अभी लिंक ओपन हो रहा है यस लिंक इज ओपनिंग

और ये जो क्वेश्चन है ये आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे और आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब आप टेस्ट में जाओगे तो आपको हर एक क्वेश्चन विद डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा नाउ इट्स अप टू यू कि अगर आपके पास है अवेलेबिलिटी देन वेल एंड गुड अगर नहीं है तो आप यहां से इसको ले सको ओके क्लियर सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन के साथ में यस नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन के साथ आज के लिए इतना ही Thank you so much. Best of luck.